बिजलू ये कैसे सो रखा है तू? तब मम्मी कह रही थी कि अब तू इसमें नहीं सोएगा। मुझे मालूम था, तभी तो मैंने तेरी टोकरी को यहां पर रख दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड फ्रेंड। इस समय बज रहे हैं सुबह के 8:30 और शुरुआत करते हैं अपने आज के व्लॉग की गार्डनिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और फ्रेश वाटर भी मॉर्निंग में आ जाता है इस टाइम पर, इसीलिए मॉर्निंग में सबसे पहले शुरुआत होती है गार्डनिंग की। यहाँ पर मम्मी सारे फूलों में, पौधों में पानी डाल रहे हैं और जय भी उठ गया है और देखो यहाँ पर बैठा हुआ है। जय, ब्रश कर लिया? नहीं करा अभी तो? कर क्यों नहीं रहा है ब्रश? जिया अभी तक उठी नहीं है, जिया सोई हुई है और ब्रेकफास्ट वगैरह आज बना रहे हैं भाभी। लगभग हम लोगों का ब्रेकफास्ट बन चुका है, बस अब सब उठ जाएंगे तो उसके बाद करेंगे सब मिल करके एक साथ ब्रेकफास्ट। बिजलू भी सोया हुआ है। ये वाले फ्लावर्स कल तक नहीं खिल रखे थे और अभी मॉर्निंग में देखा तो ये फ्लावर्स खिल गए रेड कलर के। कर लिया? चलो करो। एक यहाँ पर खिल रखा है ये वाला फ्लावर और यहाँ पर भी खिल गए ये वाले फ्लावर्स। ठंडा ये रहा, मेरे जो बोले नहीं मानो रो पहला गुनो बिच्छू बोला जो रहा था, अभी जो बोले नहीं मानो ना वो पहला गुनो मेरे भी जाने आप पाट को और के चेस चेस अच्छा, ये कांटे वाला होता है क्या? अच्छा, अब खैर नहीं है किसी की भी। इसे कहते हैं सिसोण। ये कांटे वाला होता है। जे टाइम पर आज लगा लो टाइम पर बोल था मेरे भी जिंदगी मार। अच्छा, ये क्या है जय? ये है रेसिस्टेंस बैंड, आओ इसे देखते हैं। तो गाइस, ये है सांप, छोटे मोटे सांप। अब ये क्या है इस टाइप के? अलग अलग सांप किस काम के? ये है अलग अलग ताकत के। ये है 30 LBS का LB का, ये है सबसे कमजोर 10 LB का, इसमें बिल्कुल ताकत नहीं है। ये क्या है? ये छोटे मोटे सांप है, इनके साथ में बचपन में गैस का पैप बताया, इसके साथ में तो बचपन में खेलता था। सही, तूने ये बचपन से रखा हुआ है? बचपन से नहीं, ये 11th और ये 20 LBS 20 LBS, ये थोड़ा ज्यादा ताकत वाला है, खींचने में थोड़ा कम ताकत लगे। करना क्या है इससे? अभी बताते हैं, सब्र रखो, सब्र का बांधना तोड़ो अपना। और ये है 30 LBS, ये इसको थोड़ा तब दम लगता है खींचने में, अभी बताएंगे इसका क्या प्रयोग है। और ये है 40 LBS, इसको थोड़ी और ज्यादा ताकत लगी खींचने में, जैसे मेरे को लग रही है। ये है 50 LBS, इसको बहुत ज्यादा ताकत लगती है। और इसमें मैंने बांध रखे हैं ये, इससे हाथ में ग्रिप आएगी, इसको ऐसे पाँव में रख के भी ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 1 2 3। अच्छा, तेरा ये कमरा अब जिम बन गया है। हाँ, ये हर काम में आता है। और ये ऐसे भी है, इसको दीवार में ऐसे करके लगाएंगे और इसके बीच ऐसे होगा ये, जैसे ये यहाँ लटक रखा है और यहाँ ये बीचों बीच में इसके ऐसे है, यहाँ बीच बीच में ऐसे है और ऐसे यहाँ खींच रहा हूँ ऐसे 1 2 करके। अच्छा, तो ये अलग ताकत के हैं, ये 50 LBS सबसे ताकतवर, उसके बाद ये ब्लैक वाला 40, फिर ग्रीन वाला 30, ब्लू वाला 20, येलो वाला 10। और ये इसको पकड़ने के लिए थोड़े दो ग्रिपर भी दे रखे हैं और ये ऐसे दीवार में दरवाजे में लगाने वाले। अच्छा, बस। और इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है, वो हम आपको जब करेंगे तब बताएंगे, धीरे धीरे देखते जाएंगे अब। सो फ्रेंड्स, भैया लोग लेकर आ रखे हैं ये बैग भर के इतने सारे सामान, तो मम्मी अभी इनको
खाली कर रहे हैं, इनको संभाल देंगे। कैंटीन के सारे सामान ले आए, चलो फिर इसके इनको संभालो, फिर करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट तो मैंने भी कर दिया, 9 बजे ही अब 10 बजा दी, तुमने तुम्हारी गलती है। हाँ ये सब बाद में संभाल देंगे, अब पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। बिजलू उठ गया, तो कहाँ सोया था? चल ब्रेकफास्ट करेगा। मुँह हाथ धोले फिर ब्रेकफास्ट देते हैं तुझे भी, अभी हमने भी नहीं करा ब्रेकफास्ट, चल साथ साथ करते हैं। सो फ्रेंड्स इस समय बज गए हैं सुबह के 11 और जय हो रहा है रेडी रामनगर जाने के लिए। आज जय और भैया जा रहे हैं रामनगर और आ गई साथ में जिया। कुरेदी। हेलो। क्या क्या है इसका निकनेम? कुरेदी। जैसे इसका नाम झिंगुर है वैसे। खतरनाक नाम है इन लोगों के, और नामकरण करने वाले एक दूसरे का ये दोनों ही है। बिजलू क्या हुआ, ये तो कैसे सो रहा है यहाँ पे? सही हो रहा है ना यहाँ पर अमरूद के पेड़ के नीचे? सो फ्रेंड्स बज गए हैं 11 और हो गए हैं रेडी भैया और जय रामनगर जाने के लिए। बहुत तेज की धूप हो रही है इसीलिए सनबर्न ना हो जाए करके जय स्लीप्स पहन रहा है। डिपेंड करता है कि बस कितने देर में आएगी। तो आधा घंटा करीबन लग जाएगा, और उसके लिए हम लोगों ने पानी रख दिया है। सो फ्रेंड्स इस समय बजने वाले हैं 2 और हम लोगों ने आज सुबह यहाँ पर चावल रख रखे थे इस धूप में, बिकॉज इसमें छोटे छोटे कीड़े हो रखे हैं, तो इस तरीके से अगर धूप में रखेंगे तो कीड़े वगैरह भी सब हट जाएंगे। कोशिश करेंगे, अभी मम्मी तो साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करते जाएंगे और इसको संभालते जाएंगे। आज मौसम भी ठीक हो गया है, हवा चल रही है। जिस समय सुबह उठे थे कितनी तेज़ लग रही थी धूप, और अभी तो हवा वगैरह चल रही है तो सही हो गया, इसीलिए तो मम्मी ने चावल भी बाहर रख दिए। तो मम्मी तो साफ़ करते जा रहे हैं और उसमें रखते जाएंगे। मम्मी का 2 काम एक साथ चल रहा है, क्योंकि इस समय मम्मी का सीरियल भी आ रहा है जोधा अकबर, इसीलिए जब ऐड आ रहा है तो मम्मी बाहर चावल साफ़ करने के लिए आ जा रहे हैं, और जब सीरियल आ रहा है तो मम्मी इस तरीके से फटाफट चले जा रहे हैं सीरियल देखने के लिए। और हम लोग तो आ गए बाहर हवा खाने के लिए। वैसे आता अच्छा है, जोधा अकबर जितने बार आता है उतने बार पूरा देखते हैं, कोई सीन मिस नहीं करते हैं। सो फ्रेंड्स 2 बज चुके हैं और भैया लोग भी अपना काम कंप्लीट करके पहुंच गए हैं घर। काम कंप्लीट नहीं हुआ यार, नहीं हुआ फिर से। हाँ पोस्ट ऑफिस वालों का सर्वर नहीं चल रहा है। अच्छा। हाँ कल चल, कल दोबारा जाना पड़ेगा। मेन चीज है यहाँ से पैसा लगा के जाओ, फिर पैसा लगा के आओ, काम होता नहीं है। चलो कोई नहीं, हो जाएगा कल का। तो कल फिर भैया लोगों को जाना पड़ेगा रामनगर। कल इस बॉडी गार्ड को भी लेकर जाऊंगा मैं, तब तो कल काम हो ही जाएगा। सो फ्रेंड्स इस समय बज रहे हैं 4 और ये जय और जिया देख रहे हैं डोरेमोन। इतने देर से ये लोग लगे हुए थे खिचखिच करने में, तो मैंने सोचा देखूं जरा ये लोग कर क्या रहे हैं, तो मालूम चला कि दोनों के दोनों मिलकर कार्टून देख रहे हैं, वो भी डोरेमोन। और कितना सीरियस होकर देख रहा है जय, वो भी कार्टून। मैं हूँ जियान, मैं हूँ डोरेमोन, मैं तो जिया हूँ ना जियान ना डोरेमोन। सुजुका
सो फ्रेंड्स, इस समय बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम लोग भी आ गए हैं घर के बाहर। और यहाँ पर भाभी सारे बैग्स धो रहे हैं। इन सारे बैग्स में भाभी लोग अपना सामान वगैरह लेकर आए थे, तो क्योंकि 2-3 दिन से ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो सारे बैग वगैरह गंदे हो गए हैं, इसीलिए अभी इनको धो रहे हैं। जय को काम मिल गया, वीडियो भी आ रहा है, चलो काम करो, मैं लूंगा आपको वीडियो। ला दे, ये तो और अच्छी बात है। देखते हैं जय क्या कर रहा है। इतने भारी कपड़े तेरे। 2 बैग धोकर ऑलरेडी ऊपर छत में रख दिया है सूखने के लिए, और 2 बड़े-बड़े बैग ये हैं और यहाँ पर भी रखे हुए हैं। सो फ्रेंड्स, कपड़े वगैरह जो धो रखे थे वो भी ऊपर छत में रख दिए सूखने के लिए, और बैग वगैरह धोकर यहाँ पर रख दिए हैं छत में। और अभी 2-3 बैग और बाकी हैं, तो वो भी अभी जब धो देंगे तो उनको भी छत में ले आएंगे। और आज हमारा बिजलू भी नहीं आ रखा है, जबकि 7 बजने को है, बट बिजलू सुबह का गया हुआ अभी तक नहीं आ रखा है। तो देखते हैं कब तक आता है बिजलू। बिजलू, तुझे कैसे मालूम चला कि डिनर का टाइम हो गया है? जैसे ही डिनर करने जा रहे थे आ गया तू। सो फ्रेंड्स, इस समय बजने वाले हैं 9:00 और रेडी हो चुका है हम लोगों का डिनर। और हम लोगों का डिनर जैसे ही रेडी हुआ, बिजलू भी अपना डिनर करने के लिए पहुंच गया। तो बिजलू को तो करा दिया है डिनर, और अब हम लोगों की बारी है अपना डिनर करने की। तो फ्रेंड्स, भैया तो अपने रूम में कर रहे हैं डिनर, और हम लोग सब यहाँ पर करेंगे अपना डिनर। और जय हमेशा की तरह लेट लतीफ, वो बाद में ही आएगा। तो फिलहाल हम लोग कर लेते हैं अपना डिनर, और मैं भी करूंगी अपना आज का व्लॉग है प्री क्लोज। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे, तो कीप वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।